हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट कलाकंद की बर्फी। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे मैंने सिर्फ आधे कप दूध से ही बनाया है और इसे आप 8 से 10 दिन फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी कलाकंद की इंस्टेंट रेसिपी बनाना चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें 6 से 7 बादाम लेंगे और साथ ही में 1/4 कप चीनी भी डाल देंगे। मैं यहाँ पे 1/2 कप मिल्क पाउडर ले रही हूँ और इसे भी ग्राइंडर जार में डाल देंगे और चीनी और बादाम के साथ इसे भी हम ग्राइंड करेंगे। तो मैंने चीनी, बादाम और मिल्क पाउडर को ग्राइंड कर लिया है इस तरह से। तो मैंने अब यहाँ पे 1/4 कप घर की मलाई लिया है और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो घर की मलाई लेना यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके जगह पे दूध भी ले सकती हैं। मैंने मलाई का इस्तेमाल इसलिए किया है कि मिठाई और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे हमें मलाई को खूब अच्छे से फेंट लेना है, फेंट कर इसे एकदम स्मूथ सा बना लेना है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है और टेस्टी के साथ साथ ये बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाती है और वो भी बिना गैस जलाए। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और इसे आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। मलाई को मैंने फेंट कर एकदम स्मूथ सा बना लिया है। अब मैं यहाँ पे बादाम, चीनी और मिल्क पाउडर को, जिसे मैंने ग्राइंड किया था, उसे मैं यहाँ पे डालकर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 1/4 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध को हमें एक बार में नहीं डालना है, दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और दूध डालने के बाद हमें फिर से इसे अच्छे से फेंट लेना है। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कलाकंद दो टाइप के आते हैं, एक थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आता है और दूसरा सॉलिड फॉर्म में आता है। तो मैं यहाँ पे कलाकंद की जो रेसिपी है मैं यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में बना रही हूँ और इसी की वजह से कलाकंद जो है बहुत टेस्टी बनी है। और हाँ, अगर आप सॉलिड फॉर्म में ही कलाकंद बनाना चाहते हैं तो मैं उसका भी आपको उपाय लास्ट में बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे कलाकंद की जो लिक्विड या बैटर, आप जो भी बोल सकते हैं, मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो अब इसके बाद मैंने इस रेसिपी में ब्रेड का इस्तेमाल किया है। तो अब हम यहाँ पे 8 पीस ब्रेड का इस्तेमाल किया है। मेरे ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं वो छोटे हैं तो इसीलिए मैंने 8 पीस ब्रेड का इस्तेमाल किया है। अगर आपके ब्रेड के स्लाइसेस अगर बड़े हैं तो आप सिर्फ 6 पीस ही लीजिएगा। तो मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लिया है और कट करने के बाद इसे हाथों से तोड़कर ग्राइंडर जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेना है। फ्रेंड्स, आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है इस तरह से। अब हम ग्राइंड किए हुए ब्रेड को कलाकंद की लिक्विड में डालकर खूब अच्छे से मिलाएंगे और इसे भी हमें खूब अच्छे से फेंट कर स्मूथ सा बना लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करती हैं और ट्राई करने के बाद आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तो मैंने कलाकंद के लिक्विड में ब्रेड डालकर खूब स्मूथ सा बना लिया है। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच दूध लेंगे और उसमें, और यहाँ पे मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। फूड कलर मैं 1 पिंच नहीं बोल सकती हूँ, 1 पिंच का आधा भाग का मैंने इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा सा दूध का और इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वही दूध है जिसे मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था और 1/4 दूध में इतना बच भी गया है। तो आप देख सकती हैं यहाँ पे मैंने कलाकंद की जो लिक्विड है बनकर तैयार है। तो आप देख सकती हैं जो लिक्विड है कलाकंद का एकदम मावा जैसा दिख रहा है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये ब्रेड से बना है। इसके बाद हमें 1 बटर पेपर लेना है। तो मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने 1 पेपर में इस तरह से पेपर में ऑयल लगाकर घर पे ही बटर पेपर बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से अगर आपके पास भी बटर पेपर नहीं है तो पेपर के दोनों साइड ऑयल लगाकर इस तरह से घर पर ही बटर पेपर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम एक कंटेनर लेंगे और उसे भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और बनाए हुए बटर पेपर को कंटेनर में इस तरह से सेट कर लेंगे। तो मैंने कंटेनर में बटर पेपर को अच्छे से सेट कर लिया है। अब बनाए हुए कलाकंद के लिक्विड को इसमें डाल देना है। मैं यहाँ पे बनाए हुए कलाकंद के लिक्विड को कंटेनर में इस तरह से रख रही हूँ। इसी तरह से चम्मच से दबा दबा के अच्छे से सेट कर लेना है लिक्विड को, ऊपर से भी थोड़ा इस तरह से प्लेन कर लेना है। तो मैंने कलाकंद के लिक्विड को कंटेनर में डालकर अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसके बाद फ्रिज में इसे 1 या 2 घंटे के लिए रख देंगे और थोड़ा सा टैप टैप भी कर लेंगे। और अगर आप कलाकंद की मिठाई को लिक्विड फॉर्म में नहीं बनाना चाहते हैं, सॉलिड फॉर्म में बनाना चाहते हैं, तो फ्रीजर में आप इसे 2 या 3 घंटे के लिए रखिएगा। तो अब हम कंटेनर को इस तरह से पलट लेंगे
बहुत ही आराम से कंटेनर को निकालेंगे और इसका जो बटर पेपर है इस तरह से निकाल लेना है हमें, और बटर पेपर को भी हम बहुत ही आराम से निकालेंगे, नहीं तो मिठाई टूट भी सकती है। तो मिठाई तो बनकर तैयार हो गई है, तो चलिए अब हम अपनी मिठाई को कट कर लेते हैं। तो आप इस तरह से बहुत ही आराम से कलाकंद की जो मिठाई है घर पे बना सकते हैं। तो मैंने मिठाई को कट कर लिया है, अब मैं यहाँ पे बादाम से इसे गार्निशिंग कर रही हूँ। और मैंने इस मिठाई में सिल्वर वर्क का भी इस्तेमाल किया है, वैसे ये एकदम ऑप्शनल है। आप देख सकती हैं मिठाई तो टेस्टी बनी ही है, मिठाई देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। तो आप इस मिठाई को आने वाले दीपावली के खास मौके या किसी भी ओकेजन पे आप इस मिठाई को बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरी अगर ये रेसिपी पसंद आई हो आपको तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। थैंक यू।